नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो भाई साहब? आई एम डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज का टॉपिक है वीकनेस। हमने सोचा वीकनेस को डायग्नोस करना सिखाते हैं आपको, बात करते हैं कि कमजोरी अगर आपको महसूस हो रही है तो कमजोरी का क्या किया जाए। देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है कि आप कमजोर कहाँ से हैं, उसका डायग्नोसिस है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है कि सर बहुत कमजोरी हो गई है, सबसे पहले पेशेंट पे नजर डाली जाती है कि वो फिजिकली कमजोर तो नहीं है। फिजिकली मतलब शरीर ही बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं है, शरीर ही बहुत ज्यादा थका हुआ तो नहीं है, खाना पीना खाता है कि नहीं, दिख क्या रहा है, सफेद तो नहीं दिख रहा, खून की कमी साफ नजर तो नहीं आ रही। ऑब्वियसली ऐसी कई सारी बातें हैं। एक हाथ कम, अगर देखिए वीकनेस दो प्रकार की मोटी मोटी बात है। एक तो होता है कि आपका एक बॉडी का एक पार्ट कमजोर है, एक हाथ कमजोर है या एक हिस्सा कमजोर है, एक फेस कमजोर है, या पूरा जनरलाइज वीकनेस है। जहां पे बात आती है एक पर्टिकुलर हिस्सा, कोई एक हिस्सा कमजोर है, तब तो सीधी सीधी बात खत्म हो जाती है कि वहां जाने वाला जो दिमागी कंट्रोल है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपकी नसें हैं, नर्व्स हैं, वहां प्रॉब्लम है, बात खत्म। ठीक है, चाहे नस दब रही है, चाहे दिमाग में क्लॉट आया, चाहे दिमाग में ब्लीडिंग हुआ, चाहे स्ट्रोक हुआ, चाहे दिमाग में इन्फेक्शन है, चाहे दिमागी पुरानी बुढ़ापे की मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ ना कुछ वहीं हुआ है आपके खून की नसों में, आपके इलेक्ट्रिकल दिमागी नसों में, आपके दिमाग के अंदर, या दिमाग से निकलने वाले हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स में पंगे लेके कुछ ना कुछ वहां हुआ है। जब बात आई लोकलाइज्ड वीकनेस की, वहां पे चलो बात खत्म। वो फिर आप जाओगे सीधा न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वो है सुपर स्पेशलिस्ट उस चीज के, न्यूरोलॉजिस्ट करेंगे उसको डायग्नोस। ठीक, ज्यादातर वो क्या करते हैं, ईईजी, एमआरआई, एनसीवी, नर्व कंडक्शन टेस्ट है कि नहीं, ज्यादातर। बाकी और बीमारियों के लिए भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर बात है कि जनरलाइज वीकनेस है, भैया मेरे को कहीं कहीं से मेरे से ना उठा नहीं जा रहा, आज मेरे को सिर्फ बिस्तर दे दो, मेरे को सोना, मेरे से ना रात से जब मैं सोता हूँ दिन में उठा नहीं जाता, दिन भर मुझे सोया लगता है, मुझे लगता है यार मेरे से कुछ काम नहीं होगा, कोई मुझे खाना भी खिला दे, मुझे पानी भी पिला दे, है ना, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है आज नींद भी आ रही है, बट देन इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना वीकनेस। बट ठीक है, कभी कभी थक जाता आदमी, है ना। सो द पॉइंट, एक्चुअली नींद नहीं मिली कल रात में प्रॉपर, इसलिए अब डॉक्टर लोगों का काम ही ऐसा है यार, जागे लोग, आपको दिखता है कि हमने 2 बजे 3 बजे 4 बजे वीडियो डाला, आपको लगता है हम अपनी खुशी से जाग रहे हैं। पेशेंटों के लिए जागना पड़ता है भाई साहब, कभी पेशेंटों के इमरजेंसी कॉल आ जाते हैं, कभी हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, कभी हॉस्पिटल में होते हैं, तो आपको क्या पता क्या क्या झेलना पड़ता है। एनीवेज, अगर जनरलाइज वीकनेस है सबसे पहला सवाल आता है और क्या है साथ में, और क्या सिम्टम है साथ में, वो सिम्टम बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। मतलब लिटरली पूरे शरीर में कोई भी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर हो, एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल हो, लिवर हो, किडनी हो, बॉडी की इम्यूनिटी हो, कहीं भी बीमारी कोई होगी उससे वीकनेस हो सकती है। कोई भी अनकंट्रोल्ड बीमारी वीकनेस प्रोड्यूस कर सकती है, प्लेन सिंपल स्ट्रेस भी, चिंता भी वीकनेस प्रोड्यूस कर सकती है। इंसान बुखार में वीक हो जाता है, वायरल फीवर में वीक हो जाता है, एनीमिया, खून की कमी में वीक। तो हमें देखना होता है कि पेशेंट को और क्या सिम्टम है, उससे थोड़ा सा सिम्टम से सिस्टम आइसोलेट होगा। मान लीजिए होगा था पेट खराब रहता है, जो खाता हो पचता नहीं, हो सकता है उसको मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, न्यूट्रिशन सही से पेट में जा ही नहीं रहा, इस वजह से वीक हो रहा है, तब फिर उसके विटामिंस, उसके मिनरल्स, उसके हीमोग्लोबिन, वो चीजें चेक करनी जरूरी हो जाएगी। कई बार थायराइड प्रॉब्लम होती है, देख के पता चलता है पेशेंट थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा मोटा है, और उससे पूछ के पता थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड प्रॉब्लम बोल देते हैं कि हाँ है। तो थायराइड अगर अनकंट्रोल्ड हो, ओवर हो या अंडर कंट्रोल, दोनों में वीकनेस आ सकती है। ओवर कंट्रोल होगा मतलब ज्यादा ही दवा ले रहे हो, तो इतनी थायराइड थायरोक्सिन है कि आपके अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, उसके चलते हार्ट थक गया, आप थक गए लिटरली। और लो थायराइड, हाइपोथायराइड होगा तो उसमें तो मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, उसमें तो वैसे ही थकावट रहती है, राइट right? उसमें फिर दोनों का अपना अपना रोल है। ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, नमक पानी की कमी हो जाए, नमक पानी ऊपर नीचे हो जाए, जी हाँ, नमक पानी मतलब पानी नहीं होता एक्चुअली, पानी भी होता है, डिहाइड्रेशन में भी वीकनेस होता है, नंबर वन बहुत बड़ा रीजन है अभी के टाइम पे, ये समर, डोंट मर, समर में पानी पीना, मरना नहीं है। ठीक है, सो
डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एक बड़ा रीजन है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, NaCl नमक सबसे बड़ा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। किडनी फंक्शन कराया जाता है, बुखार है तो पहले बुखार ठीक किया जाता है, ऑब्वियसली बुखार है साथ में उल्टी आ रही है तो पेट खराब है देखा जाता है, पेट में इन्फेक्शन तो नहीं, टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, क्या इश्यू है, राइट। पेट एग्जामिन करके देखा जाता है, किडनी लिवर कुछ पालपेट हो रहा है, कुछ स्प्लीन तो नहीं बड़ी आ रही, क्या है, राइट। इस तरह से पैलर देखा जाता है, पैलर क्या होता है, जबान देखी जाती है, जबान वाइट तो नहीं है, वाइट जबान, पैलर, आंखों के नीचे ये जो वो है म्यूकस मेम्ब्रेन वहां देखा जाता है, वहां पैलर तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है, पीलिया तो नहीं है, ऊपर आंखों के ऊपर व्हाइट व्हाइट है ना, वो व्हाइट व्हाइट स्क्लेरा पे ऊपर देखा जाता है कि व्हाइट येलोनेस तो नहीं है, स्किन ज्यादा येलो तो नहीं है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है और जिससे हमें पिन पॉइंट करके मदद मिलती है कि ये वीकनेस क्यों हुई होगी। लिटरली ये एक डिटेक्टिव वाला काम है, दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया है कि नहीं। सो सेम थिंग गोज हियर, सो हमें ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है, शुगर अनकंट्रोल तो नहीं, अनकंट्रोल शुगर वीकनेस, शुगर कम वीकनेस, शुगर ज्यादा वीकनेस, कीटोन ज्यादा वीकनेस, बहुत वीकनेस, हाई ब्लड प्रेशर कम वीकनेस, नींद चार दिन के दो दिन नहीं सोए वीकनेस, सही से नहीं सोए वीकनेस, बहुत सारी कारण्स हैं वीकनेस के, और इसीलिए आपको वीकनेस के साथ और चीजें एसोसिएट करनी जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि मैंने रेस्ट लिया नहीं लिया, मैंने सही से नींद लिया नहीं लिया, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं विटामिन लेता हूं नहीं लेता हूं, विटामिन कौन सा जो न्यूट्रिशन में जो उसमें मिलता, भैया वेजिटेरियन हो तो विटामिन B12 अलग से लेना पड़ेगा या दूध पीना पड़ेगा, दूध दही पनीर लस्सी छाछ, ठीक है। सो B12 या सॉरी वीकनेस को अकेले लेके घूमोगे कि वीकनेस है सर डायग्नोस कर दो, तो पूरा हेल्थ चेकअप हो जाएगा, फुल हेल्थ चेकअप हो जाएगा, अगर उसके साथ कोई और सिम्टम नहीं है, कोई और सिम्टम आते ही हमें क्लू मिल जाता है और वो क्लू से समझ में आता है मिनिमम क्या करना है। सो ये हुई बात वीकनेस की, डायग्नोसिस करने के लिए वीकनेस में अगर कोई पेशेंट को और कोई सिम्टम नहीं है तो CBC, LFT, KFT, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, थायराइड फंक्शन हम कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हम कराते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, ECG और इकोकार्डियोग्राफी भी करानी पड़ सकती है अगर हार्ट की वीकनेस महसूस हो रही है तो, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, HbA1c, ये सारे टेस्ट होते हैं जिनको सुने हैं और भी बहुत सारे टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन आपके लेवल्स, आपके कई बार हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, सो फीमेल्स में PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, FSH LH लेवल करते हैं थर्ड डे ऑफ मेंसेस पे, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम हो तो वीकनेस आ सकता है, साथ में फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वो लिबिडो वाले सिम्टम होंगे, समझ रहे हैं बात को, तो एक के साथ दूसरे सिम्टम को जोड़ के समझ में आता है ये तो प्रॉब्लम यहाँ की, अरे ये तो प्रॉब्लम वहाँ की है, दैट्स हाउ यू डायग्नोस अ सिस्टम एंड दैट्स हाउ यू गो फॉरवर्ड। कई बार पहले स्टेप में नहीं पता चलता, कई बार हमें हम क्या कर सकते भी, ऐसे तो नहीं जो पेशेंट आया दुनिया भर के सारे टेस्ट कराते जाओ, है ना, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थोड़ी है कि नहीं। सो इसमें क्या होता है, हम उसको छोटे छोटे टेस्ट दिए भी, चलो इतने करके लो शायद इससे पकड़ ले, ज्यादा लगे इससे नहीं, चलो अगली बार देखेंगे, एक हफ्ते की दवा खाओ देखते हैं, है कि नहीं। पर वीकनेस के लिए एंटीबायोटिक लेके मत आ जाना भैया, और वीकनेस ने कतई स्टीरॉयड लेके मत आ जाना, आते हैं लोग स्टीरॉयड लेके, वीकनेस में स्टीरॉयड दे दिया, वीकनेस में एंटीबायोटिक दे दिया, भैया बहुत खतरनाक डॉक्टर है दुनिया में, हाथ जोड़े उनके। तो चलो एनीवेज ये हुई बात वीकनेस की, अब थोड़े से आपके ले लेते हैं सवाल और खत्म करते हैं आज का चैटवा, सुपर चैट देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। ओके, सुपर चैट में दो सवाल आ चुके हैं, मिल्क एंड वे एंड क्रिएटिन लेने रात में लेना रात में बेड टाइम ओके है, बिल्कुल जी बिल्कुल ओके है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्रिएटिन कोई भी टर्म लो, इमीडिएट कभी यूज नहीं होता है, वो जाके स्टोरी होगा आपके मसल्स में, तो क्रिएटिन गई का बात खत्म। मिल्क तो कायदे से रात को लेना ही चाहिए, केसिन प्रोटीन रात को लेना ही चाहिए, तभी आपकी मसल्स जो है वो बॉची रहेंगी, बॉची बॉची का मतलब दे विल गेट प्रिजर्व्ड, अगर आपको मसल बचानी है तो, ठीक है। और क्या नाम है, वे तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको देखो 30 ग्राम प्रोटीन रात को लेना है, चाहे दूध से लो, चाहे थोड़ा वे डालो, चाहे केसिन ले लो, पूरा का पूरा डालो, डजंट मैटर, दूध भी लेते हो तो उसमें 20% तो वे होता ही है, 20% वे होता ही है, 40 डाल लो, थोड़ा सा और डाल लो, डजंट मैटर, 50 डाल लो, डजंट मैटर, राइट, ले सकते हो वे रात को, ओहो सॉरी, ओके नेक्स्ट सवाल आ गया था। ओके सर, ऑन नेबिविलॉल ले रहे हैं
25 एक साल से, क्या ओकेजनली ड्रिंक कर सकता हूँ इन सेफ लिमिट, कोई रिएक्शन का रिस्क? ऐसा है जनाब, नेबी विलॉल या कोई भी दवा कई बार मेडिकेशन अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकती है, तो अगर आप नेबी विलॉल ले ले हैं तो नेबी विलॉल सुबह ले लो, और ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक बाद में शाम को ले लो, और बात ख़त्म की ड्रिंक सेफ लिमिट हमने वीडियो बना रखा है, जाके वो वीडियो देखिएगा और सेफ लिमिट के अंतर्गत आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, सेफ लिमिट के अंतर्गत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हुई बात दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं वीकनेस की। सचिन खत्री ने पहला वर्ड डाला खटैक, इम्यून सिस्टम वीक। इम्यून सिस्टम वीक होगा भाई साहब, ऐसी ऐसी बीमारी होगी ना, ऐसी ऐसी फंगल इन्फेक्शन होगा। सबसे पहले इम्यून सिस्टम वीक होते ही आपकी चमड़ी को चमड़ जाता है फंगस, जैसे ही गर्मी शुरू होती है थोड़ा सा वहां पे पसीना आया और फंगस, यहां फंगस वहां फंगस वहां फंगस, याद रखना इम्यून सिस्टम वीक का नंबर वन फंगस आता ही आता है। दूसरी चीजें, कई सारे इन्फेक्शन आ जाते हैं, कई गले में खराश सर्दी खांसी, उसको इम्यून सिस्टम वीक नहीं, उसको एलर्जी बोलते हैं वैसे ज्यादातर, सिर्फ ये हो रहा है तो राइट। सो इम्यून सिस्टम वीक को इतने आसानी से डायग्नोस नहीं किया जा सकता। इम्यून सिस्टम वीक के लिए आपका या तो लिम्फोसाइट काउंट्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, या फिर आपके दूसरे CD4 थी वो जो HIV टेस्ट और वो ऐसा कोई इम्यून सिस्टम वाली डिजीज़ हमको समझ, इम्यून फाइटिंग वाले जो सेल्स हैं आपके बॉडी में है ही नहीं, इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, देन वी डायग्नोस कि इम्यून सिस्टम वीक है या कमज़ोर है। बट एनीवेज, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आपकी बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, खुश होने चाहिए, यस हैप्पीनेस ऑल्सो बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, बिल्कुल। एनीवेज, ऑल राइट, वीकनेस के सवाल पूछिए। वीकनेस लिवर वीक है, डायस्टोलिक ये बात हो गई, मतलब वीकनेस पे बात आ रही हो तो लिवर वीक है, लिवर वीक नहीं होता भाई साहब, लिवर खराब होता है, वीक नहीं होता, क्योंकि लिवर जो है वो उसका सिर्फ 20% हिस्सा चाहिए आपको प्रॉपर लिवर के काम करने, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है लिवर का और जो बाइल प्रोड्यूस करने का काम है लिवर का, वो करने के लिए लिवर इस तरह से काम होगा। हाँ, अब वो डॉक्टर लोग आसान भाषा में आपको कहते हैं आपका लिवर वीक है, आपका लिवर ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं होता, आपके लिवर पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, आपके लिवर पर स्ट्रेस है तो आपको लिवर को बचाना है, मतलब लिवर के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है, वीक नहीं होता लिवर, लिवर डैमेज होता होता है, तो उसके लिए आप चाहो तो अल्ट्रासाउंड करा के देखो या फाइब्रोस्कैन करा के देखो, उससे पता चल जाएगा अगर लिवर का हिस्से में फाइब्रोसिस यानी वीक डैमेज हो रहा है तो, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। अगर किसी का, चलो मैं वीकनेस वाले सवाल ढूंढ रहा हूँ भैया, बाकी जिसने जो सवाल पूछे हैं क्षमा चाहते हैं, हर एक सवाल का जवाब तो देना मुश्किल है, बट सुमित पहले 10 सवाल देख लेते हैं। शायद सुमित पांडे जी ने पूछा था, आई कांट स्लीप इजीली एट नाइट, आई मीन समटाइम्स थॉट्स ऑलवेज कीप रनिंग इन माई माइंड, सो हाउ कैन आई स्टॉप देम? यू नीड मेडिसिन फॉर सम डेज एंड यू नीड टू एक्सरसाइज। मेडिसिन आप फिजिशियन से जाके ले लीजिए या साइकाइट्रिस्ट से लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से लीजिए, थोड़े दिन ले लो, ठीक हो जाएगा। अगर मन की शक्ति, धन की शक्ति और बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय है आपके अंदर, तो फिर एक्सरसाइज करिए, रात को एक्सरसाइज करिए, इतनी थक जाएंगे और सो जाएंगे, ये भी कर सकते हो, और दूध भी नहीं, रात को दूध जरूर पीना है। मास्टरबेशन के बाद कमजोरी होती है, एक्सरसाइज के बाद कमजोरी होती है, 25 डिप्स मार के दिखाओ, चलो आप 25 मार लोगे, 100 मार के दिखाओ, 100 छोड़ो, एक्सरसाइज के बाद भी कमजोरी होती भैया, उसको एक्सरसाइज है, मास्टरबेशन इज एन एक्सरसाइज, यू वर्कआउट, यू गेट, यू यूज एनर्जी, यू विल गेट अ लिटिल वीकनेस, दैट्स नॉट वीक, वो कोई वो नहीं है यार, वो वीकनेस नहीं है यार। ऑस्टियोड ऑस्टियोमा इन द नी, इट नीड्स ऑपरेशन। हेलो सर प्रिया, ये क्या है, हेलो सर प्रिया, काइंडली स्टोन है, किडनी स्टोन, ठीक है, किडनी स्टोन है, 4 mm का निकल जाएगा, डोंट वरी, दवाई पियो, पानी पियो, दवाई खाओ। पैर की सूजन कैसे दूर करें, पैर की सूजन को अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आपको फिर समझाएंगे, दूर करने के लिए पहले उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, टू डायग्नोस इट। ऑल राइट, लाइक करो यार भगवान के लिए, ये फ्रेंड्स बिल्कुल भगवान के लिए लाइक करो, भगवान के लिए करो यार। ओके, प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है टीथ में, आपको उसको दिखाना पड़ेगा, टीथ में प्रॉब्लम है तो आपको दिखाना पड़ेगा डेंटिस्ट। प्लीज टेल मी व्हाट कैन वी ईट एट नाइट, यू कैन ईट एनीथिंग एट नाइट, द बेस्ट थिंग टू ईट एट नाइट्स आर सिंपल सैलड्स,
सिंपल सैलड्स, हाई फाइबर, लिटिल फाइबर्स, लिटिल मतलब फाइबर्स आर द बेस्ट, मिल्क इज बेस्ट, स्लो अब्सॉर्बिंग थिंग्स आर द बेस्ट एट नाइट, ऑलराइट। थोड़ा बहुत कार्ब्स भी खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पूजा फोन यहाँ है आपका, बल को बोल, बल को बोलना पूजा को। हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करें, माइंड डाइट जाके हमारा वीडियो देखो, माइंड डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन। सर मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, इस पे अलग से एक सेशन बनाएंगे, अच्छा टॉपिक है, सांस लेने का डायग्नोसिस कैसे होता है, ठीक है, बनाएंगे 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 बनाएंगे। लिवर माइंडली इलाज प्लीज एक्सप्लेन, फैटी लिवर बेसिक थिंग है, फैटी लिवर वाला वीडियो देखो जाके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई इट हैपेंस। गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा, निकल गया पता नहीं आप। अच्छा, पेट खराब, चेस्ट पेन डेली, पेट खराब और चेस्ट पेन डेली डायग्नोस करना पड़ेगा भैया, यू नीड टेस्ट, राइट, ऑब्वियसली टेस्ट करवाओ। चेस्ट पेन बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो है हमारा, फुल डिटेल। पेट खराब में बहुत चीज़ें हो सकती है, दस्त हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है, बल्किंग हो सकती है। नीचे डाइजेस्टिव हेल्थ की भी सीरीज है, वो देखिए, आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे थोड़े बहुत। बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, हम 23 ईयर ओल्ड, प्लीज सजेस्ट सर, बीपी लो है 23 ईयर ओल्ड, पहला काम करिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा लेना शुरू करिए, दिन भर में चाय कॉफ़ी ले सकते हैं आपके केस में, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। और थायराइड का चेकअप कराइए, थायराइड और विटामिंस और इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन, ठीक है, ये कराओ। हार्ट भी कराना पड़ता है, पर इस उम्र में 23 में हार्ट ख़राब नहीं होता मेरे हिसाब से, मतलब अनलेस एंड अनटिल कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, तो कंजेनाइटल के लिए अगर एक बार स्टेथोस्कोप लगा के आवाज़ आने लगे तो फिर हार्ट का इको करना पड़ेगा, आवाज़ यानी सर मरमर। ऑलराइट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है आपको, इतनी सारी कोलोनोस्कोपी कराई है तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। नीचे वीडियोस लिंक है, डाइजेस्टिव हेल्थ के वीडियोस देखिए, इन रिस्पेक्टिव आपको प्रॉब्लम है नहीं है, उसमें अच्छी बातें बताई हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए, वो सारी बातें फॉलो करिए, आप ठीक होने के चांसेस आपके 3 गुना बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, एंडूरा मास नाम का पाउडर लिया जा सकता है क्या? जी हाँ, लिया जा सकता है, अगर आप वज़न बढ़ाना मोटा होना चाहते हैं तो। सर, CA946 में ऑपरेशन करना कितना सेफ है? ये तो आपको भाई साहब एज यूजुअल, इसमें सेफ्टी की बात जो आती है वो एनेस्थेटिस्ट बताते हैं, एनेस्थेटिस्ट बेहोशी के डॉक्टर बताते हैं कि आपके ऑपरेशन के कितना रिस्क है कितना नहीं है, तो एनेस्थेटिस्ट से जाके बात करो इस बारे में। सो ये हुई बात इनकी, काफ़ी सवाल हो गए, अब हम जरा सा जाके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, नीचे बाकी। अब भाई साहब जिन जिनके वीकनेस पे सवाल है वो पूछिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अभी सवाल हो चुके हैं बाकी 10 के, तो वीकनेस के सवाल पूछिए, 3-4 मिनट है हमारे पास, उसके बाद चलते हैं। हाउ मच हीमोग्लोबिन काउंट इन बॉडी, मतलब का है ये, का है ये, का है सवाल, सिंपल सिंपल, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए ये पूछ रहे हो भैया, हर एक हिसाब से बहुत सिंपल है, 10, 12, 15 के आसपास होना, 10 से 15 के बीच में होना चाहिए, इंडिया के अंदर 12 के ऊपर हो तो गनीमत है, 17 के ऊपर है तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन है, स्मोकिंग बंद करो, धूल मिट्टी में जाना बंद करो। स्टमक में वीकनेस नहीं होती भाई साहब, अगर स्टमक में वीकनेस होगी तो आपको उल्टी आ जाएगी, उल्टी उल्टी, क्योंकि वो वीक स्टमक चर्न नहीं कर पाएगा, खाना जो है आप जाएगा ही नहीं नीचे, बाहर अंदर ही नहीं जाएगा तो ऊपर ही आएगा ना, फिर स्टमक वीक नहीं होता, स्टमक में या तो एसिड कम होता है या एसिड ज़्यादा होता है, या आप सही से चबा नहीं रहे हो, या स्टमक या तो इंटेस्टाइन्स नीचे जाने की स्पीड कम है, तो एक बहुत लंबा सिस्टम है, वो सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है ये समझिए, उसके लिए नीचे डाइजेस्टिव हेल्थ की सीरीज देखिए, हमारी नीचे ली हुई है जब आपने इसमें। सेक्सुअल वीकनेस एज यूजुअल हमारा बहुत बड़ा सेशन है, उसमें इरेक्शन प्रॉब्लम, मैस्ट्रबेशन, वो सब को जाके देखिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, और बाकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जिसको देखना पड़ता है, इस पर भी हम एक बार वीडियो बनाएंगे, और हाउ टू डायग्नोस वाला, वैसे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप चाहेंगे तो नॉलेज बहुत पड़ा हुआ है, ढूंढ लीजिए। वाइग्रा क्या, वन नाइस वीक टू इंक्रीज टाइम, वन विन वीक टू इंक्रीज टाइम वाइल हैविंग सेक्स सेफ, जी हाँ, वाइग्रा वैसे सेफ है पर उसमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बीपी लो हो सकता है, चक्कर आ सकता है, कभी कभी सर दर्द हो सकता है, किसी किसी को होता है, हर एक को नहीं होता, तो अगर आपका बीपी ऑलरेडी लो रहता है तो आप डॉक्टर की सलाह लेके ही उसे यूज करें, और अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएं। ऑल राइट,
नीट का एग्जाम पूरे दिन वीकनेस, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, आपकी प्रॉब्लम यह है जनाब शुभम शर्मा जी, जाइए सो जाइए फिर पढ़ाई करेंगे। वीकनेस सर, सुबह उठो तो वीक फील होता है, एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, एफटी सब नॉर्मल है सब, बिल्कुल सुबह उठो वीक फील होता है, हो सकता है आप सही से नहीं सो पा रहे हो सकता है वहाँ पे जहाँ आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, अगर आपके माइंड में उल्टा सीधा चल रहा है, हो सकता है आप रात को ये इस पर लगे रहते हो मोबाइल पे, उसकी ब्राइटनेस देखो, हमने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, काला कैसे काला करके यूज़ कर रहे हैं देखो, क्योंकि उसकी वो लाइट नहीं आनी चाहिए ना, ब्लू लाइट, इसलिए काला करके यूज़ करो, ऐसे ब्लैक ब्लैक, हाँ बिल्कुल डार्क, तभी आपकी आँखें ठीक रहेंगी, बस समझे, ऐसा ब्राइटनेस आती है ना ऐसे आँख में दिखता है, ठूम वैसे खराब हो जाती है आँखें भैया, अपनी आँखों पर रहम करो, रहम मतलब छोटे छोटे कारण होते हैं, मानोगे छोटे छोटे कारण होते हैं वीकनेस के, इतने छोटे कि पूछो मत, आधा घंटा अगर किसी डॉक्टर से बात करोगे ना कारण निकल जाएगा, वो डॉक्टर चाहेगा तो। एनीवेज आई फील वीक एवरी डे इवन आफ्टर स्लीपिंग 8 hours, आई फील लेजी एंड टायर्ड। नाउ इन दिस केस इफ फीलिंग दैट इज देयर, यू माइट बी डिहाइड्रेटेड, यू माइट हैव स्ट्रेस, यू माइट हैव विटामिन डेफिशिएंसी, यू माइट हैव अ डिजीज, एक्चुअल डिजीज, तो टेस्ट करने पड़ेंगे। सर बोन्स की नजर आती है वीकनेस शोल्डर चेस्ट, क्या करूं? आप जाके अपना विटामिन डी, B12 और बोन स्कैन, बोन डेक्सा स्कैन कराइए, बोन में वीकनेस हो सकती है, वो उसी वजह से होती है कि बोन के अंदर के मिनरल्स कम हो जाएं। ठीक, ये हुई बात वीकनेस की, क्षमा चाहते हैं अगर किसी के सवाल नहीं ले पाए, और जिनके लिए है उनके लिए उम्मीद है कि वो लाइक करके जाएं, और जो नहीं लिए हैं वो भी लाइक करके जाएं, भगवान के लिए लाइक करना जरूरी है और हमारे लिए भी लाइक करना जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइस, अभी हम जाके थोड़ा कुछ पेट पूजा करते हैं और फिर काम दूजा करते हैं सोने का, और आप लोग भी जाइए रेस्ट करिए, सोइए, और गुड नाइट, बाय बाय।